गाइस अभी हम जा रहे हैं कॉलेज में, एक बैट एक बॉल फुटबॉल के जूते लेके, लेकिन हमारे पास बॉल है नहीं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है हमारी करनी वीडियो में। तो अभी मैं छत पे आ रखा था थोड़ी बहुत उठने के बाद, बाकी छत थोड़ी थोड़ी गिली हो रखी है। बारिश आई तो नहीं थी लेकिन छत भी अभी सूखी नहीं है और ऊपर बादल ही बादल हो रखे हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कॉलेज में जाने के लिए खेलने के लिए फुटबॉल। तो देखते हैं, अगर कोई आता है तो चलेंगे, नहीं तो फिर मना ही कर दूंगा क्योंकि अकेले जाकर मैं क्या ही करूँगा। तो अभी मैं और केश बुला के तो आ गए सबको, लेकिन सभी सो रहे हैं। बाकी देखते हैं अगर कोई एक आता ऐसी उठ के आ जाए तो। और टाइम पास के लिए हम इन दोनों दोनों कुतियों की लड़ाई देख रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है हमारा इधर बैठे बैठे, और ख़ास करके से बहुत एंजॉय कर रहा है इसे। ऐसे अभी हम जा रहे हैं कॉलेज में, एक बैट एक बॉल फुटबॉल के जूते लेके, लेकिन हमारे पास बॉल है नहीं। तो बॉल हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे कोई पड़ी हुई मिल जाएगी, इस उम्मीद में जा रहे हैं। नहीं मिली तो बैट से सचिन तेंदुलकर वाली में मिक्री कर लेंगे हम, और तो क्या। बस ए वीडियो बैट का ग्रिप निकाल के सीधा कॉलेज में तो हम आ गए। बाकी आधे लोग पीछे रह गए, आधे लोग पहले चले गए बुलाने के चक्कर में। तो इसलिए हमें ये सीख मिलती है कि जितने बाढ़ इकट्ठे हो रहे हो उन्हीं से गुजारा करना चाहिए। ज़्यादा बाढ़ बुलाओगे तो बिछड़ जाओगे। तो गाइस कॉलेज से तो हम आ चुके, मतलब खेल खुल तो लिया हम, अब हम जा रहे हैं। बाकी हरदीप और डंपे की वेट कर रहा हूँ मैं, और बाकी केश आगे चला गया। तो गाइस घर पे तो मैं आ गया और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। बाकी जून में वैसे तो दो बार नहाना ज़रूरी है, एक बार सुबह एक बार शाम को गर्मी की वजह से, लेकिन अब की बार इतनी गर्मी हुई नहीं। अब की बार थोड़ी सी बूंदाबांदी ज़्यादा हो गई थी इसलिए इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आज से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि सुबह सुबह धूप निकल रखी है बाहर, और वैसे ही निकलती नहीं थी, थोड़ा सा मौसम ख़राब ही रहता था। तो ये है हॉलीडेज होमवर्क वाला पर्चा, इसमें लग नहीं रहा काम ज़्यादा है लेकिन एक्टिविटी का ज़्यादा है, और लिखने का इतना नहीं है और लर्निंग का भी बहुत ज़्यादा है। और वैकेशन ख़त्म होते ही फिर पेपर स्टार्ट हो जाएंगे पीए, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी अब की बार। तो गाइस अभी मैं हॉलीडेज होमवर्क कर रहा था, बाकी लिखने का काम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर एक्टिविटी का है। तो एक्टिविटी का सामान भी लाना आज, और ये रजिस्टर मेरे पास पहले से पड़ा था, बस ये थोड़ा सा पहले से मुड़ा हुआ है इसलिए ये पहले मतलब काम में आ गया मेरे। गाइस ये कमरा मेरा परमानेंट स्टूडियो बन गया क्योंकि मेरे कपड़े वपड़े भी अब इसी अलमारी में रख दिए, बाकी ये खुलता नहीं है क्योंकि ये सोफा रहता है इसमें, और अब परमानेंट यही कमरा बन गया। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रखने की जगह भी नहीं है, या फिर इसको परमानेंट खोल के इसके सिल्वर प्ले बटन इधर ही रख दूँ, ये भी हो सकता है। तो मैं छत पे आया था अभी रेजिस्टेंट बैंड लेने, लेकिन ये इधर अटक रखा है पूरी गंदी तरीके से, निकल भी नहीं रहा, और पहले इसको निकालना पड़ेगा और ना ये निकल रहा, किसी पैनी चीज़ से निकालना पड़ेगा। वो तो ठीक है, इधर थोड़ा सा मतलब थोड़ी छाया पड़ रही है, नहीं तो फिर पैर जल जाते। बाकी इसका निकलना मुश्किल है, निकल ही नहीं रहा यार, बहुत टाइम से तो नहीं अटकाया मैंने, शायद 4-5 दिन पहले अटकाया था, सोचा था एक्सरसाइज करूँगा लेकिन फिर अच्छे से हुई नहीं, और ये भी मुड़ गया इसका, इसलिए फिर मैंने सोचा निकाल ही लूँ, और अब निकल भी नहीं रहा। तो गाइस अभी मैं और अरदीप जा रहे हैं कल भी अभी नई दुकान पर रमन से मिलने, काड़ू की दुकान पे, कोई बात नहीं। और इधर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी हमें, जा पैर टप, ये थोड़ा सा बियर के साथ रहा हुआ। अभी मैं आ चुका हूँ कॉल भैया की नई दुकान पे, इन्होंने पूरी शिफ्ट कर दिया इधर से, और इधर एकदम बढ़िया वो है व्यू, सामने की साइड टाइम पास ना हो रहा हो, जैसे अब कोई कस्टमर नहीं है तो इनको बस ये लक्कड़ धोते हुए देख लेते हैं। बाइक मॉडिफिकेशन शुरू करनी पड़ेगी मैंने, बाइक मॉडिफिकेशन काटा पिट्टी शुरू करूंगा ये मैं, मॉडिफाइड स्प्लेंडर ना तो कोई बड़ा इंजन की बाइक लाइक करा 150 cc 200 cc हां बहुत सारा दिखा छोटी नहीं, बाकी उससे छोटी दुकान है यार।
तो गाइस अभी मैं और कालू भैया थोड़ा सा प्लान बना के आए थे कहीं जाने का, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा जिससे थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो। बाकी मैं इतना करना तो नहीं चाहता सस्पेंस क्रिएट, लेकिन फिर भी अगली वीडियो में बताऊंगा कहाँ पे जाने का है, क्योंकि अगर कैंसिल हो गया फिर सीन हो जाएंगे। आज घर वालों से पूछ लूँगा मैं और फिर पक्की हो जाएगी शायद, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ थोड़ी बहुत चोरी वोरी का रिस्क ज़्यादा रहता है और फ़ोन मेरे पास कुछ ज़्यादा ही सस्ता ही। मुझे अभी एक दुख की बात पता चली कि मेरे जो जूते हैं जो मैंने आज से लगभग पूरे एक साल तो हो गया इनको, मैंने शायद 29 तारीख को लिए थे ये, और ये छोटे हो गए अब, ये शायद 5 नंबर है, इस पर लिखा नहीं हुआ यहाँ पे कहीं पे। तो ये मैंने एक साल पहले लिए थे और अभी ये छोटे आ रहे हैं, मैंने पहन के देखे थे आज, और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। इन्होंने पूरा, इनसे मैंने पूरा एक टूर्नामेंट खेला है, एक और खेल सकता था लेकिन थोड़ा सा सीन हो गया रजिस्ट्रेशन का इसलिए। बाकी कोई बात नहीं, अब हम दूसरे वाले जूतों से ही काम चलाएंगे, स्पोर्ट्स शूज़ से। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।